आगे से जितनी ये मस्कुलर लगती है ना पीछे आते आते ऐसा लगा कि जैसे कंपनी का ना बस अब मन भर गया <laughs> ज्यादा डिजाइन नहीं डालने रहे इसमें तो सोचा बहुत मेहनत कर ली हमने आगे हाँ। स्केचिंग के अंदर तो पीछे बस जैसा चल रहा है वैसा छोड़ कि अच्छा अच्छा पैसे पूरे हो गए हाँ। तो जी ये हमारे पास अपने कस्टमर के साथ आ गई है रोनिन तो ये जो बाइक है इसको लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया है कस्टमर तक भी पहुंच गई है और कस्टमर का क्या फीडबैक है वो सुनते हैं अकेले राइड करते हो तब तो नॉर्मल बाइक भी ठीक है पर जब फैमिली के साथ आप जाते हो कहीं पे वाइफ है छोटा बेबी है तो लगता है की थोड़ी सी पावर होनी चाहिए बाइक बैठ के दिखाओ इसलिए फिर मैं उस टाइम पे सर्च कर ही रहा था की क्या लू अच्छा ये लॉन्च हुई इसका लुक जो है वो मस्कुलर तो लगता है नो no डाउट पहले के टाइम में कहते थे कि बुलेट ही होनी चाहिए हेल्दी बंदों के पास लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनीज ने ऐसी भी मॉडल्स निकाल दिए जो कि एक अच्छे रिफाइंड इंजन के साथ में मिलती हैं और है और मॉडल वगैरह इनके देख लो कितना अच्छा इंटरनेशनल लेवल की डिजाइनिंग है राइट पहले ऐसी डिजाइनिंग नहीं आती थी यहाँ के डिजाइनर्स भी चेंज हुआ है बस ये कुछ फेंडस वगैरह का डिजाइन इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है तो ये माइलेज कितनी देती होगी मुझे अभी पैतीस से सैतीस के बीच में माइलेज आ रहा है अभी के लिए ठीक है क्योंकि अभी भी इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है

इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ अलग से आवाज आती है कुछ भी क्योंकि हाँ। इंजन के साथ चीज कनेक्ट की हुई है ना और रिफाइंड इंजन है ये वैसे बहुत रिफाइंड है टीवीएस अपना इंजिन के और एग्जॉस्ट के लिए खासा जाना जाता है टीवीएस की बाइक, ये मेरी सेकंड बाइक है ये जो हैंडल का पाइप है ये भी थोड़ा सा ऐसे बल्की टाइप दिया हुआ है थोड़ा थोड़ सा बल्की दिया है ला? आप यहां से देखेंगे अगर हाँ। तो ये यहाँ से पतला हो जाता है यहाँ से पतला और यहाँ से मोटा है जो चीज जो चीज दिख रही है वो चीज मोटी मोटी भारी भारी है इस वजह से थोड़ा सा लुक और ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो राइडर होता है उसको ऐसा लगता है कोई भारी सी चीज चला रहा हूँ ये कंसोल यहाँ नहीं होता है सेंटर में होता तब भी मजा नहीं आता ये

छोटे अच्छा, <laughs> <मस्टेंक ले> <laughs> और, और रा, राइनो की जो स्पेसिफिकेशन ना वो ये टू टू सिक्स सीसी का इंजन है तो आप पहले हंड्रेड सीसी वाला चला देते इंजन के साइज का भी बहुत फर्क पड़ जाता है ऐसे में स्विच करते हैं तो ये सा राइनो लगता है बीस हाँ।

अच्छा वो नॉर्मल वाले मिरर नहीं लगाए वो ये काफी स्पोर्टी लगते हैं देखने में ये चीज है ये आ, हैंडल्स ये बहुत, स्पोर्टी, ये लगती बहुत है। स्पोर्टी लगती है और आ, अच्छी बिल्ड का एक एक्सपेंसिव पीस सा बनाया इन्होंने साइड मिरर को लेके ये चीज मुझे लगी वरना मिरर्स भी वही नॉर्मल आ जाते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना चाहे कुछ भी हो तो उसकी एक एक चीज एलिमेंट के ऊपर हम लोग गौर करते हैं अच्छा इसका थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाओ तो ये स्विचेज है

आपको सुनना होगा सिटी तो तो जब ऑफिस ऑफिस लेके गए तो लोगों ने देखी भाई मेरे देखी। में एक्चुअली सारे हम एक एक ही एज ग्रुप के हैं हाँ। और उनको भी बाइक्स का बड़ा शौक है और काफी दूसरे तरीके की वो चलाते हैं स्पोर्ट्स बाइक भी चलाते हैं उसी पे ऑफिस भी आते हैं तो उनको भी बड़ी अच्छी लगी स्पेशली जब आप इस बाइक को चलाते हो तब आपका मन एक बार को और ज्यादा इसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है क्योंकि चलने में बहुत ही कंफर्टेबल और बड़ा मजा था चलने ऐसा है जो टिपिकल आता है इसको no साथ साथ अब आजकल एक्सेसरीज बहुत मिल जाती है मार्केट में, में लोग लगा, लगा लेते हैं तो हेलोजन के मुकाबले डेफिनेटली थोड़ी सी कम है बट सफिशियंट है एलईडी सेटअप सारा ओवरऑल पीछे आ जाओ अगर तो मोनो शॉक सस्पेंशन है इसमें

अच्छा इसमें एलईडी इंडिकेटर्स वैसे अगर कोई बड़ी कंपनी लगा के देती है तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है जी बट टीवीएस ने इसके अंदर ही लगा के दे दी सब कुछ एलईडी दे दी और पीछे से ये बाइक जो है ये जो इसकी तो टेल तो लाइट है इसकी वजह से कुछ अलग लगता है अलग लगती है ये नॉर्मल नहीं लगता है और ये जो उसका पिछला फेंडर है ये भी थोड़ा सा यूनिक बनाया है अगर इसको अगर इसको पहले ही छोटा कर देते काट देते तो हो सकता था और थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता बट ये जो पीछे की तरफ आ गया ना ये ये चीज़ ऐसा लगता है कंपनी का ही पार्ट है, है। जिसपे इसको, इसको है, है ये मेक और ब्रेक डिसीजन बनाता है इंसान का की लेनी है की क्योंकि कई लोगों को ये डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस आगे से जितनी प्यारी लगती है ये पीछे से उतनी थोड़ी सी कम अपील करती है कुछ लोगों को तो मेरे लिए ये डिजाइन अच्छा था डिसेंट था तो मुझे गई कि है है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल किसी प्रैक। भी पोजीशन से आप पकड़ के खींचो तो बाइक आराम से उठती है प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है पीछे बैठने वाले को सपोर्ट मिलता है एकदम से ऐसा नहीं लगता कि गिर जाएंगे प्रैक्टिकल बहुत है लेकिन डिजाइन

कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है इन सब चीज़ों से तो बजाय सिंपल ब्लैक रखने के कंट्रास्ट के अंदर चीज़ें होती हैं तो वो और ज़्यादा इनहेंस कर देती है और एग्जॉस्ट ब्लैक एंड सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन बेसिकली ये ब्लैक क्रोम और सिल्वर का कॉम्बिनेशन पूरी बाइक में है ना, ना हर जगह टीवीएस की ब्रांडिंग है

इस कवर की वजह से इनिशियली लोगों को लगने लगा था कि शायद ये बेल्ट ड्राइव, ड्राइव है चेन ड्राइव नहीं है <laughs> मेरे को भी लगती थी बट इसकी वजह से चेन गंदी नहीं होती है जल्दी से इसकी इसकी कवर की वजह से आप कभी इसको मिट्टी से निकालो कीचड़ से निकालो अभी दिल्ली में बारिश का सीजन चल रहा है तो वो गंदा कम होता है और बार बार चेन को सर्विस नहीं करना पड़ता है ल्यूब नहीं करना पड़ता है जो कि नॉर्मली नेकेड बाइक्स में करना पड़ता है थोड़ी मेंटेनेंस कम हो जाती है इससे तो इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है माइनस पॉइंट क्या है इसका प्लस पॉइंट यही है कि ये बचाता है

सबसे पहले मैं इसका ये रियर जो ग्रैब रेल का डिजाइन है अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ये चेंज करवाऊंगा <laughs> कंपनी से कि नो डाउट ये प्रैक्टिकल है लेकिन आजकल बहुत सारी और बाइक्स में बहुत ही स्पोर्टी लुकिंग आ, ग्रैब रेल्स आ रही है बहुत सिंपल से ही हो गया बहुत सिंपल हो गया, हो गया। सब बहुत बहुत सिंपल हो गया आगे से जितनी ये मस्कुलर लगती है ना पीछे आते आते ऐसा लगा कि जैसे कंपनी का ना बस अब मन भर गया ज्यादा डिजाइन नहीं डालने सोचा बहुत मेहनत कर ली हमने आगे स्केचिंग के अंदर पीछे बस जैसा चल रहा है वैसा छोड़ अच्छा अच्छा पैसे पूरे हो गए अब नहीं करना तो वो थोड़ी सी कमी जो रह गई ना अगर वो ग्रैबर को और थोड़ा बेहतर बनाते sure उनके सारे इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत तो करी है of course, exactly. थोड़ा सा और अगर हो जाता तो ये सबसे पहला इसका पहला नेगेटिव है, हाँ। दूसरा नेगेटिव है इसके ये मिरर्स जितने स्पोर्टी हैं, हाँ। उतने यूजफुल नहीं है क्योंकि ये छोटे हैं साइज में एक्चुअली इसको हम ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं ना आप ऐसे यूज करोगे तो आपकी विजिबिलिटी और कम हो जाएगी हाँ इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से करा हुआ है पहले मैंने इनको ऐसे ही करा हुआ था अच्छा। तब तो आपको बहुत ही कम दिखाई देता है ओके। फिर जब आप इनको ऐसे कर लेते हो हाँ। तो विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो जाती है बट क्या है कि अगर कोई पतला नॉर्मल इंसान जैसे हा, हा, वो बैठेगा तो उसके लिए विजिबिलिटी ओके है लेकिन आपके और मेरे जैसा अगर थोड़ा सा बल्कि इंसान बैठेगा तो उसके आर्म्स कवर कर लेते हैं मतलब थ्री फोर्थ मिरर तो ये पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है एक ही होने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक का बस वही है कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है जो इन्होंने जो ब्लैक होल ब्लैक जो है ये इनको टॉप मॉडल में भी देना चाहिए था

तो मतलब अगर इस बाइक को नंबर देने हो टेन में से कितने होंगे टेन अबाउट ये मैंने तो अभी लिए मुझे पसंद है मैं तो दस में से चलो परफेक्ट तो किसी चीज को नहीं कह सकते exactly. तो मैं दूंगा इसे लेकिन वो चीज हमारी कट गई ना जैसे हाँ, कि ये कुछ चीजों की वजह से मैं इसको पूरे नंबर नहीं दे रहा हूँ और वो भी हमारा वो भी आ गया चेन कवर आ आ चे, गवर। चेन गवर। तो तीन कवर कवर तो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट चीजें इसके अंदर करेक्ट वैसे मैं इस बाइक को 8 नंबर देता पर एक नंबर जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो दे रहा हूं इसकी आ, क्योंकि मुझे टीवीएस की कस्टमर सर्विस बहुत पसंद है।, है वो बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है तो एक नंबर उनके लिए चलो अब अगर कोई इसको लेना चाह रहा हो कोई इंटरेस्टेड हो बंदा ब्रांड न्यू लेना चाह रहा हो तो जा सकता है इस बाइक की तरफ बिल्कुल जा सकता है देखिए अगर आप कॉलेज में हैं और अगर आपको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है अगर आपको ये है कि भाई मुझे फटाफट कट मार के कहीं ना कहीं पहुँचना है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है अगर आप मेरी तरह हैं, थोड़े से सुस्त हैं, थोड़े से लेजी हैं, थोड़े से अपनी कॉलेज की लाइफ जी चुके है, और आप थोड़े से की, हैं और कहीं आपको पहुंचने की जल्दी नहीं है आप एंजॉय करना चाहते हैं अपनी राइड को तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पीस टू हैव दिस इज अ ग्रेट बाइक टू हैव बहुत आराम से चलती है मज़े से चलती है आप इन्जॉय करोगे अपनी बंदे बंदे को इसी तरफ ही जाना चाहिए या फिर कुछ और ऑप्शन भी देखना चाहिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि इस सेगमेंट में काफी बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड्स और अब डेफिनेटली आपके पास कॉम्पिटिशन है तो आप मेरी राय में आप जाके चलाइए सारे मॉडल और जो भी आपको फिट लगता हो आप उसकी तरफ जाइए मुझसे अगर आप पूछेंगे तो इसे लेने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा ये है पॉइंट है ये, रहे, ये तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देख सकते हैं तो हमारा काम जो था वो बस इतना ही था कि एक कस्टमर से मिलवाया जाए जो कि बता सके एक्सप्लेन कर सके कि भैया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई कोई किसी की कोई साउंड तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है माइलेज तो कितना देती है और पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है जब हम रिव्यू करते हैं तो सिर्फ उसकी वो चीजें बताते हैं जो हमें पता चलती हैं लेकिन जब कस्टमर यूज करता है तो वो वो चीजें बताता है जो उसने एक्चुअल रियल टाइम पे यूज कर रखी होती है तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं अलग अलग चीज लेके आने वाला हूँ तब तक के लिए की वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन बाय बाय